दोस्तों, क्लाइमेट चेंज दुनिया भर में सबसे बड़ा खतरा है। जहां वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया डेवलपमेंट और तरक्की की ओर बढ़ रही है, तो वहीं उसी तेजी के साथ ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जा रही है। और ऐसे में सभी लोग एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हार्मफुल चीज़ों को इको फ्रेंडली चीज़ों के साथ बदल रहे हैं, जैसे कोल को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के साथ, फॉसिल फ्यूल को सोलर एनर्जी के साथ और पेट्रोल डीजल कार्स को इलेक्ट्रिक कार्स के साथ। इलेक्ट्रिक कार्स को क्लीन, ग्रीन और सस्टेनेबल के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सच है? अभी आप जिस मोबाइल या लैपटॉप पर ये वीडियो देख रहे हो, उसकी बैटरी में मौजूद कोबाल्ट मैक्सिमम चांसेस है कि कांगो देश के इनमें से किसी बच्चे ने अपनी जान दांव में लगाकर खदानों से निकाला होगा, वो भी सिर्फ 50 रुपए दिन भर में कमाने के लिए। और क्यों चाइना अफ्रीका के कोबाल्ट माइंस को कंट्रोल करके पूरे अमेरिका को तबाह करने की कोशिश कर रहा है? आखिर कैसे हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स और इलेक्ट्रिक कार्स के कारण हर साल हजारों अफ्रीकन बच्चों की मौत हो रही है? इन्हें कैंसर से लेकर जेनेटिक डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आइए पता लगाते इस ब्लड बैटरी के सीक्रेट्स, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज आपको कभी नहीं बताएंगी। कोबाल्ट एक ऐसा मिनरल जिसके बगैर रिचार्जेबल बैटरीज बन ही नहीं सकती है। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने के लिए कोबाल्ट एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। आपके मोबाइल फोन की बैटरी में कोबाल्ट होने के कारण मोबाइल फोन लंबे टाइम तक बिना चार्ज के यूज कर सकते हैं। और वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी कोबाल्ट की वजह से बहुत ज्यादा माइलेज देते हैं, जिससे कुछ ही सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी के कारण कोबाल्ट की प्राइजेज और डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और वर्ल्ड का 70% कोबाल्ट अकेले अफ्रीका के इस गरीब देश कांगो से आता है। कांगो अफ्रीका का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, जो गरीबी और करप्शन से भरा हुआ है। दोस्तों, ये देश असल में आज दुनिया का सबसे अमीर देश होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ कॉपर, कोबाल्ट से लेकर गोल्ड, डायमंड्स, ये सब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। पर वेस्टर्न कंट्रीज के कारण ये देश आज भी गुलाम है। कांगो में 20% लोगों का रोजगार कोबाल्ट माइनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ कोबाल्ट माइनिंग दो टाइप की होती है, स्मॉल स्केल माइनिंग और इंडस्ट्रियल माइनिंग। स्मॉल स्केल माइनिंग में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, लेबर लॉज यूज नहीं होते हैं। यहाँ करीब 2 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, जिसमें से 40,000 छोटे बच्चे हैं। यहाँ तक कि 6 साल के छोटे बच्चे भी यहाँ काम करते हैं। इन्हें बहुत ही पतली सुरंगों से गुजरना पड़ता है, जिनमें सिर्फ छोटे बच्चे ही घुस पाते हैं। कांगो की तेज गर्मी की वजह से इन कोबाल्ट माइंस में ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन फिर भी ये बच्चे पूरा दिन काम करते हैं, और वो भी बिना कोई सेफ्टी गियर्स यूज किए। और यहाँ लगातार जानलेवा गैसेस कोबाल्ट से निकलती रहती है, जिससे हर दिन हर मिनट इनको मौत का खतरा रहता है। या फिर अगर इन गैसेस से बच भी गए तो कभी भी सुरंग ढहकर इनकी जान जा सकती है। इन बच्चों को भारी वजन उठाकर घंटों तक चलना पड़ता है, और फिर ये कोबाल्ट को मार्केट में लेकर बेचते हैं। पर इन बच्चों के पूरे दिन की कमाई सिर्फ 40 या 50 रुपए होते हैं, क्योंकि एक लाइसेंस कंपनी से ज्यादा सस्ता होता है एक बच्चे से कोबाल्ट खरीदना। कोबाल्ट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मिनरल है, लगभग 6,000 रुपए पर केजी। पर ये पैसा इन गरीब लोगों को कभी नहीं मिल पाता है, जो इसके असली हकदार है। दोस्तों, क्या आप 100 रुपए के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं? एक स्टडी के मुताबिक हर साल करीब 2000 लोगों की मौत हो जाती है इन कोबाल्ट माइंस में, और ज्यादातर चाइनीज कंपनीज ही इन बच्चों से सस्ते दाम में कोबाल्ट खरीदती है, जिससे और ज्यादा बच्चे इस जानलेवा काम को करने के लिए तैयार होते हैं। दुनिया में 50% से ज्यादा कोबाल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होता है। लगभग 10 kg कोबाल्ट लगता है एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बनाने के लिए। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक बैटरी असल में ब्लड बैटरी है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, वॉल्सवैगन, सैमसंग और डेल जैसी कंपनीज के लिए कांगो कोबाल्ट का मेजर सोर्स है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में चाइल्ड लेबरिंग के दौरान 14 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इन बड़ी कंपनीज के खिलाफ केस फाइल किया। वैसे तो कोई 6-7 साल का बच्चा नहीं चाहता कि दिन भर अपनी जान को खतरे में डालकर जानवरों जैसी मेहनत करे, और ना ही उसकी फैमिली ये चाहती है। लेकिन गरीबी के कारण लोग ऐसा करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई रोजगार नहीं है। US डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर ने 2018 में एक लिस्ट इशू की 35 क्रिटिकल मिनरल्स की, जिसके बगैर अमेरिका की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और इनमें से कोबाल्ट भी एक मिनरल है, और ये भी कहा गया कि कोबाल्ट अमेरिका के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि दुनिया का 70% कोबाल्ट सिर्फ कांगो से आता है और इस पर चाइना का कंट्रोल है। चाइना ही कांगो को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट देता है, मतलब चाइना चाहे तो कोबाल्ट की सप्लाई बंद करके अमेरिका को बर्बाद कर सकता है।
और इलेक्ट्रिक बैटरीज के कारण वर्ल्ड की फ्यूचर इकोनॉमी भी आज चाइना के हाथ में है। इसलिए फ्यूचर में अगर अमेरिका कांगो में कब्जा करने की कोशिश करेगा इराक और अफगानिस्तान की तरह, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। कांगो में लार्ज स्केल माइनिंग की टोटल 19 कंपनियां हैं, जिसमें 15 कंपनीज अकेले चाइना की है और लगभग 70% कांगो की कोबाल्ट को चाइना ओन करता है, जिसकी वैल्यू $93 बिलियन से भी ज्यादा है। और बदले में चाइना ने $3 बिलियन के रोड्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाने का वादा किया है। ये कांगो के लिए बहुत ही बुरी डील थी। कांगो देश में बेशुमार माइंस मौजूद है, पर गवर्नमेंट के पास पैसा और रिसोर्सेज ही नहीं है माइनिंग करने के लिए। इसलिए चाइना इस चीज का फायदा उठाता है। 80% कोबाल्ट कांगो से चाइना जाती है रिफाइनरी के लिए और फिर उसे यूएसए और यूरोप में सप्लाई किया जाता है। इन चाइनीज कंपनीज में वर्कर्स को टॉर्चर किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है और बराबर खाना भी नहीं दिया जाता है, और सैलरी सिर्फ 50 से 150 रुपए पर डे। कोबाल्ट से आर्सेनिक और सल्फर जैसे खतरनाक गैसेस निकलते रहते हैं, जो माइन में काम कर रहे लोगों के लिए जानलेवा हो सकते हैं, और ये लोग बिना मास्क के दिन भर काम करते हैं, जिससे इनके लंग्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। और यहाँ कोबाल्ट माइंस के चारों तरफ पूरा शहर बना हुआ है। स्कूल, हॉस्पिटल्स और रोड्स यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है। यहाँ के लोगों को एसिडिक कंटेमिनेटेड पानी पीना पड़ता है, और इंडस्ट्रियल डस्ट के कारण इन माइंस के आसपास रहने वाले बच्चों में डीएनए डैमेज हो रहा है, जिससे उनमें कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट वुमेन्स की बॉडी में ये कोबाल्ट डस्ट जाने के कारण बच्चे डिसेबल पैदा हो रहे हैं। कुछ बच्चों के नाक नहीं है, कुछ बच्चों के पैर नहीं है, तो कुछ बच्चों के हाथ नहीं है। और साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री आगे बढ़ती जाएंगी, उससे और बड़े बड़े बीमारियां सामने आती जाएंगी। इस डस्ट एसिड के कारण न गांव के नदियों में मछली पाई जाती है और न ही कोई फसल मिट्टी से उग पाती है। ऊपर से चाइनीज बायर्स मशीन से कोबाल्ट की क्वांटिटी और क्वालिटी को मेजर करते हैं, और दोनों जगह इनको बेवकूफ बनाकर इन गरीब लोगों को बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। इनके ही देश में इनकी मेहनत का पैसा चाइनीज लोग ले जाते हैं, और ये लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि गवर्नमेंट मिली हुई है। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी ये देखकर कांगो में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कांगो की लार्जेस्ट कोबाल्ट कंपनी है सीडीएम, जो चाइनीज कंपनी हुआयो की सब्सिडियरी कंपनी है, जो वोल्सवैगन जैसी कंपनीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए कोबाल्ट सप्लाई करते हैं। 2019 को कांगो के कुछ लोगों ने टेस्ला के ऊपर केस फाइल किया था, जिसमें बताया गया कि टेस्ला के कारण छोटे बच्चे अपनी जान को खतरे में डालकर पूरा दिन काम करते हैं सिर्फ 50 रुपए कमाने के लिए। आज कांगो में गरीब गुलाम लोगों के कारण जितना प्रॉफिट अमीर लोगों को हो रहा है, उतना पूरे इतिहास में कहीं पर भी नहीं हुआ।